आउ गोटे कथा जे सीधा सड़क नवीन पटनायक टार्गेट कर प्रधानमंत्री जे यहाँ जे हुए तो नवीन पटनायक जणा नथिबो केतो जिला एवं जो अन्य सहर गुड़िकर जिला मुख्यालय ना जे नवीन पटनायक ये जाणी नथिबे हुए तो आम कहीपर मोदी यह कही कौन कहवाई चाहते एभली टार्गेट कर जदि आम नजर पकाइबा जे ए दुईटी प्रसंग को नहीं प्रधानमंत्री कौन कही आसतु नजर पकाइबा इतने सालों से यहां मुख्यमंत्री है ना। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं, नवीन बाबू इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या साथियों? और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर वन न बना दू ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है, आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है?
आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस को दो टुक कहूंगा, भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा तो मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शहजादे आए दिन बनायनबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए, मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए माननीय विपक्ष मंडे के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं।